हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज है शनिवार, तो शनिवार को बेटी का स्कूल नहीं रहता है और बेटा स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है सोमवार से, तो पढ़ेगा घर में, इसलिए वो स्कूल नहीं गया है। तो इसलिए मैं आराम से आज 8 बजे काम वाम कर रही हूँ। इधर मैं घर झाड़ू दे रही हूँ, घर झाड़ने के बाद चाय बनाएंगे और रात का बर्तन जो था कुछ धो ली थी और थोड़ा बहुत एक दो है वो मैं अभी बाहर धोऊँगी। तो यहाँ देखिए, मैं किताब का रैक जो है इसको मैं ठीक कर रही हूँ। और यहाँ पर दरवाज़ा के पीछे थोड़ा सा जगह था कोना में, तो यहाँ पर मैं बुक रखने का रैक बनवाई थी, तो वहाँ पर अच्छा से अट जाता है और दिखता भी नहीं है। तो ये मेरा ही आइडिया था, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ मूंग का तड़का, तो मैं फ्राई होने के लिए बिठा दिए है। और इधर मैं चाय पीऊँगी, तो थोड़ा सा पहले पानी पी ले रही हूँ। और हस्बैंड जी को भी चाय दे दिए है और पापा को लाल चाय दिए है। तो रात का जो बर्तन कुछ धो ली थी तो उसको मैं रैक में सजा दे रही हूँ। और आज उतना टेंशन नहीं है क्योंकि बच्चे भी घर में हैं, तो धीरे सुस्ते काम करेंगे। और यहाँ देखिए, मैं प्याज को मैं काट ली हूँ। प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च जो क्रश करने वाला ब्लेड है उसमें मैं करी हूँ। और यहाँ पर मेरा मूंग उबल चुका है, तो चलिए मैं जल्दी से तड़का बना लेती हूँ। और यहाँ हमारा तेल गरम हो गया था, तो मैं डाल दी हूँ जीरा। उसके बाद प्याज जो कट कर रखे थे उसको मैं डाल दे रही हूँ। सबको अच्छा से ब्राउन होने तक भूजेंगे। और इसी में मैं ऐड कर दूँगी नमक, हल्दी और थोड़ा सा मीट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर मैं रखती हूँ घर में, वो थोड़ा सा मैं डाल दूँगी। बस यही डालने से ये तड़का बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में, तो मैं बीच बीच में इस तरह से बनाती हूँ। क्या है ना कि डेली डेली सब्जी दाल खाते खाते मन भी उब जाती है, इस तरह से तड़का बनाने से मेरे घर में सभी को पसंद है। तो यहाँ देखिए, मेरा ये प्याज और हरा मिर्च, अदरक, लहसुन सब फ्राई हो गया था, तो इसमें मैं ऐड कर दी हूँ गरम मसाला, मीट मसाला। इसको फिर से अच्छा से भून लेंगे और उसके बाद मैं मूंग जो उबाल कर रखी थी उसको मैं डाल दूँगी। देखिए, मेरा मूंग का तड़का बनकर तैयार है, थोड़ी देर उबलने दूंगी। और इधर मेरा रोटी भी बन चुका है, तो यहाँ पर मैं हस्बैंड जी के लिए नाश्ता लगा दी हूँ क्योंकि ऑफिस जाने वाले हैं। और उधर मैं पापा जी को भी दे दी हूँ। और इधर मैं चली आई हूँ छत पे। गेहूँ 2 दिन पहले मैं धोई थी तो ठीक से नहीं सूखा था, तो उसको मैं आज फिर से सूखने के लिए रखी हूँ, इसको आज पिसवाने दूंगी। और इधर गेहूँ सूख रहा है, इधर मैं मूंग को भी थोड़ा सा डाल दी हूँ क्योंकि कभी कभी होता है ना बरसात में कीड़ा लग जाता है, तो इसलिए मैं मूंग को भी रख दी हूँ। और कलाई का दाल भी है, तो उसका मैं धूप लगा रही हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड जी तेजपत्ता लाए थे, तो उसको मैं धूप में रख रही हूँ सुखाने के लिए। पहले धो दिए थे क्योंकि धोने से फ्रेश हो जाता है। तो हस्बैंड जी के वहाँ पर पेड़ है ऑफिस के वहाँ, तो वहाँ डाल काटे थे तो लेकर आए थे तेजपत्ता। और यहाँ पर दोपहर का 1 बज रहा है, मैं नहा वहाँ ली थी, नाश्ता भी हो गया था। तो यहाँ पर मेरा करेला भर के भरवा बनाऊंगी, आज हस्बैंड जी बोल रहे थे बनाने के लिए, तो मैं आज ये भर के बनाऊंगी और ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ज़रूर देखिएगा। आशा करती हूँ बहुत अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पर देखिए, मैं इसके लिए मसाला काट ली हूँ, टमाटर और प्याज और सलाद भी काट लिए है खाने के लिए। तो चलिए मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और इसके लिए मैं मसाला भी ले ली हूँ। और मसाला में मैं सरसों, धनिया, जीरा,
गोल मरीच अदरक लहसुन सब दिए, इसमें सरसों भी डलता है, इसको मैं पीस लूँगी। और यहाँ पर मैं करेला को उबाल ली थी, तो इसमें से जो बीज होता है मैं इसको निकाल लूँगी। इधर मेरा पैन गरम हो गया था, तो मैं जीरा और पंचफोरन डाल दी थी, तो इसको अच्छा से मैं फ्राई कर लूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी प्याज और टमाटर, अच्छा से ब्राउन होने तक भूजेंगे। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी हल्दी और नमक, इससे क्या हुआ कि कलर भी आ जाएगा और गल भी जाएगा जल्दी। तो जल्दी जल्दी से मैं टमाटर डालकर इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और इधर मैं मसाला भी पीस लिए है। और यहाँ पर मैं डाल दी हूँ मसाला, इसमें नमक हल्दी देकर अच्छा से फिर से भूजूंगी जब तक ये सूख ना जाए। अच्छा से भूजते भूजते, माने इतना सुंदर भूजना है जो कि सेंट निकल जाए, तो अच्छे से भूजूंगी। देखिए, और भूजने के बाद कितना सुंदर कढ़ाई से ये छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये मसाला फ्राई हो चुका है। तो इसको मैं अभी निकाल लूँगी और इसको मैं ठंडा कर लूँगी, उसके बाद ही मैं भरूँगी करेला में। और मैं इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दी थी, वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, भूल गई थी। तो आप इसमें नींबू डाल दीजिएगा, अगर नींबू ना हो तो आम का अचार होने से भी डाल सकते हैं। मतलब इसमें खटाई थोड़ा सा डालना है, अच्छा लगता है। और इधर मेरा मसाला फ्राई हो गया था, तो मैं निकाल ली और ठंडा भी हो गया है, तो इसको मैं भर लूँगी। और यहाँ देखिए कितना सुंदर से अंगुल के सहारे से अच्छा से भरना पड़ता है, तो इसे मैं जल्दी जल्दी भर ले रही हूँ। अब मेरे घर में ये सभी को पसंद है, सिर्फ मेरी बेटी नहीं खाती है, नहीं तो मेरे हस्बैंड जी, मेरे बेटा, ससुर जी और मुझे, सभी को पसंद है, सिर्फ मेरी बेटी नहीं खाती है। तो उसके लिए मैं आलू का भुजिया बना दी हूँ। और यहाँ पर मेरा पैन गरम हो गया था, तो इसमें एक चम्मच तेल देकर उसको अच्छा से लगा दी। इसमें हल्का तेल देकर फ्राई करना पड़ता है। और इसमें सभी करेला को जो भरी थी उसको मैं डाल दूँगी और धीरे धीरे इसको मैं पकाऊँगी। मीडियम आंच करके धीरे धीरे पकाना पड़ता है, तो अच्छा से पकता है। और यहाँ देखिए मेरा करेला का भरवा बनकर तैयार है, और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। मेरे घर में सभी को ये पसंद है, मतलब मेरे घर में करेला बहुत ही ज़्यादा बनता है, करेला का भुजिया, करेला का सब्जी या करेला का भरवा, तो मेरे घर में बहुत पसंद है, सिर्फ मेरी बेटी नहीं खाती है। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर बन गया, आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और हेल्दी भी होती है। तो मैं आज सुबह सुबह मैं चादर धोई थी तो सूख गया था, तो उसको मैं ले आई हूँ और यहाँ पर मैं चादर बिछा ले रही हूँ। और मेरा गेहूँ भी सूख गया है, तो गेहूँ भी मैं ले आई हूँ छत से, तो उसको मैं आज शाम को पिसवाने के लिए दे दूँगी हस्बैंड जी को, तो दे आएंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बस इतना ही, आशा करती हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।